हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू जेके करीम्स किचन। आज हम इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं सिंपल और इजी तरीके से बनने वाली घर पे बटर पनीर डोसा, जो आसानी से हम घर में बना सकते हैं स्ट्रीट स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल वाली। इसके लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लेंगे और उसके बाद एक बारीक कटी हुई प्याज को ऐड कर लेंगे और उसे ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी हम पनीर भुर्जी बनाने वाले हैं। ये बहुत ही सिंपल एंड आसानी तरीके से हम बना सकते हैं पनीर भुर्जी। अभी हम उसमें 1 हरी मिर्च और अदरक को, 1 इंच अदरक और 1 हरी मिर्च को ऐसे बारीक काट के हम ऑयल में ऐड कर रहे हैं, ऑनियंस के साथ फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो थोड़ी और हरी मिर्च अदरक को भी ऐड कर सकते हैं और अब ये अच्छे से फ्राई कर लें। ये बहुत ही सिंपल एंड आसानी से हम घर में बना सकते हैं। अभी हम इसमें थोड़ी सी हल्दी और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। ये पनीर भुर्जी जो है बहुत ही आसानी से बनती है। और हम अभी हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रहे हैं, उसी के साथ थोड़ी सी नमक भी ऐड किया है और उस सबको अच्छे से मिला लें और अच्छे से थोड़ी देर के लिए पकने दें, 1 या 2 मिनट के लिए। अभी अच्छे से फ्राई हो गया है, भून गया है। अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, 1 टमाटर जो बारीक कटी हुई, उसी को भी हम उस मसाले में डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। डोसा बैटर तो हमारे पास हर वक्त अवेलेबल रहता है घर में, तब ये आसानी से हम स्ट्रीट स्टाइल में पनीर डोसा बना सकते हैं। अभी हम 1 शिमला मिर्च को ऐसे बारीक काट के वो भी हम ऐड कर रहे हैं और उसको भी अच्छे से मिलाए और थोड़ी देर के लिए पकने दें। सारे मसालों के साथ अच्छे से मिला लें। अभी देखिए ये अच्छे से पक गया है। एक बार के लिए मिक्स करिए। और इसी के साथ हम पनीर को ऐड कर रहे हैं, जो मैश किया हुआ पनीर है, 200 ग्राम्स पनीर लिया है मैंने, और इसी को भी हम अच्छे से उसके साथ मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने दें। ये बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है। देखिए अब हमारा पनीर अच्छे से मिल चुका है सारे मसालों के साथ। ये पनीर भुर्जी तैयार है। अगर आप पनीर को और मॉइस्ट रखना चाहते हैं तो 2 स्पून क्रीम या थोड़ी सी दूध ऐड करें, इससे जो है हमारी पनीर जो है ड्राई नहीं होती है, वो हमेशा मॉइस्ट रहता है। हम लंच बॉक्स में भी इसको मॉइस्ट ही रख सकते हैं ऐसे क्रीम या दूध मिलाने से। अच्छे से मिलाएं और 1 मिनट के लिए पकने दें। बस अभी हमारा पनीर भुर्जी तैयार है और उसके धनिया पत्तों के साथ गार्निश करके डिश आउट करें। और अभी हम तवे पे डोसा डाल रहे हैं। डोसा बैटर को लिया और हमें तवे पर डोसा डाल रहे हैं। अभी आप जब डोसा डाल रहे हैं मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम में रखें ताकि डोसा जल ना जाए। और अभी हम थोड़ी सी ऑयल ऐड किया है। अभी हम डोसा पे बटर ऐड करेंगे। बटर जो है थोड़ी सी रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से डोसा पे स्प्रेड होता है। और हम इसको डोसे पे, अब हम जो स्टफिंग बनाया है पनीर भुर्जी, वो हम उसके डोसे के बीच में ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ी और बटर भी ऐड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि
जब हम डोसा डाल रहे हैं तवे को अच्छी तरीके से गर्म होनी चाहिए, वरना आपका डोसा नहीं आएगा, चिपक जाएगा तवे से। अभी हम ये डोसा रेडी है, इसको हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। अभी हम इसी तरीके से दूसरा डोसा डाल रहे हैं। डोसा डाल दिया है, अभी हम थोड़े से ऑयल ऐड किया है। अभी उसी के साथ हमने बटर भी ऐड कर लेंगे, अच्छे से डोसे पे स्प्रेड कर लेंगे। ये पनीर भुर्जी है जो हम ये चपाती और पुलके के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और इसके साथ हम पनीर पराठा भी बना सकते हैं जो हमने विदाउट क्रीम या दूध ऐड किए हुए, ऐसे ही हम पनीर पराठा भी बना सकते हैं। अभी हम जो स्टफिंग हमने बनाया है ना पनीर भुर्जी, वो हम एक साइड में रख रहे हैं डोसे के एक साइड में, ताकि इसको अच्छे से रोल कर पाए। और उसी के साथ हम उसके ऊपर थोड़ी सी बटर ऐड किया है। और हम चीज स्लाइसेस को काट के वो भी अच्छी तरीके से स्प्रेड कर रहे हैं। आपके पास क्यूब है तो चीज, तो उसे भी ग्रेट करके आप उस पर डाल सकते हैं। इसी पनीर भुर्जी को आप स्प्रेड भी कर सकते हैं डोसे पे, या ऐसे सर्व भी कर सकते हैं। देखिए हमारा पनीर डोसा जो है रेडी है, बटर पनीर डोसा, और इसको चटनी और उसको थोड़े से पाउडर स्पाइसेस पाउडर्स के साथ हम सर्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।